नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा और पंजाब के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को धमकी भरा पत्र लिख कर दी गई है। धमकी भरे इस पत्र में लिखा है कि 26 नवंबर 2021 को अंबाला मंडल के रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट, यमुनानगर, रिवाड़ी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, शिमला, चंडीगढ़, हिसार, सिरसा, सहारनपुर और अन्य कई स्टेशनों को बम से उड़ा देंगे। यह पत्र DRM फिरोजपुर को मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशनों पर जहां रेलगाड़ियों की दिन रात चेकिंग की जा रही है, वहीं स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की भी जांच की जा रही है। यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF की ओर से 24 घंटे आने और जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों के बाद दिन रात चेकिंग की जा रही है। जहां गाड़ियों में चेकिंग की जा रही है, वहीं प्लेटफॉर्म और मौजूद लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। लोगों को यह बताया जा रहा है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लोगों को यह भी सलाह दी जा रही है कि किसी तरह की लावारिस वस्तु मिलने पर इसके बारे में GRP, RPF और रेलवे कर्मचारियों को सूचित करें। इस धमकी भरे पत्र मिलने के बाद पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पुलिस कर्मचारियों को 24 घंटे हर आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जाली की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।